यहाँ पे सॉरी सॉरी हैसअप रिकॉर्ड नंबर के साथ उसको मार्क किया जाता है। इसी तरीके से जो सुपरवाइजर है उसके अप्रूवल और सिग्नेचर और साइन स्टैम्प के साथ इसको मार्क किया जाता है डेट वाइज। ठीक है, ये एक किस्म का डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद प्रोएक्टिव एक्शन प्लान के लिए डॉक्यूमेंट डिफाइन किया जाता है, जिसमें सेम पैटर्न है, उसमें जो उसकी सॉरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। लाइक प्रोएक्टिव एक्शन के लिए एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है, एक्शन प्लान क्या लिया गया प्रोएक्टिव एक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज के नाखून बड़े हुए थे उस एरिया में, वहां पे जाके सुपरवाइजर ने, बॉस ने एम्प्लॉयज की पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव किया गया। ठीक है, इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्या है, उसके साइन और स्टैम्प के साथ सारी चीजें डिफाइन होंगी। देन एक डॉक्यूमेंट है परचेज और डिस्पोजल रिकॉर्ड का। इसमें कोई भी आइटम परचेज करनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसका प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। और अगर कोई चीज सॉरी यहाँ पे एक मिनट के लिए हम ट्रेनिंग को रोकेंगे, अजान का टाइम है। सो हम बात कर रहे थे परचेज और डिस्पोजल रिकॉर्ड की। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी आइटम आपने रॉ मटेरियल परचेज करना है उसका आप रिकॉर्ड करें रखेंगे। ठीक है, लाजमी नहीं है कि इस सैंपल में जो चीजें दिखाई गई हैं लिखी गई उनको एज इट इज आपने लिखा है, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए उनको प्लस माइनस कर सकते हैं पैरामीटर्स उनमें। ठीक है, इसी तरह से कोई चीज डिस्पोज ऑफ करते हैं उसके लिए भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, उसके बाद बात आती है हैसअप प्लान वैलिडेशन की। वैलिडेशन बेसिकली सर्चेज वेदर अ हैसअप प्लान आइडेंटिफाइज एंड कंट्रोल्स ऑल सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हैजर्ड्स। दिस इंक्लूड्स रिव्यू ऑफ द हैजर्ड एनालिसिस, रेसिपी डिटरमिनेशन, वैलिडिटी ऑफ क्रिटिकल लिमिट्स, एलिमेंट्स ऑफ हैसअप एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट। सो इसमें हम क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स और पास्ट वैलिडेशन रिपोर्ट्स को रिव्यू करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वैलिडेशन ऑफ द हैसअप मैकेनिज्म दैट इज एक्चुअली वर्किंग इन द सिस्टम। ठीक है, सो उसको हम अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हम उनको वैलिडेट करते हैं कि एक्चुअली में हमने जो जो सीसीपीज के अगेंस्ट क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट्स लगाई हैं और उनपे जो एक्शन हमने लिया है, क्या वो सभी पैरामीटर्स एज पर स्टेटेड स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं या नहीं, इस चीज पे हम इसको हैसअप प्लान वैलिडेशन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम मॉड्यूल टू की बात करेंगे। तो पार्टिसिपेंट्स, मॉड्यूल टू हम इंशाल्लाह जो ना सेकेंड सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक के लिए आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फर्दर फिर हम इंशाल्लाह सेकेंड सेशन के लिए चलेंगे। जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। अच्छा सर, वो पूछना ये था कि आपने जो बताया है हैसअप के मैनुअल्स में जो मैनेजमेंट टीम होगी वो हमारी फूड सेफ्टी टीम है, मतलब वही होगी या जो मैनेजमेंट इंडस्ट्री की है वो नहीं, हमें जो डायरेक्शन जो देगी? जो जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, आपको प्रोजेक्ट कौन सा दिया गया है, हैसअप को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब जी जी हैसअप को इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को मुख्तलिफ टारगेट दिए जा सकते हैं, मुख्तलिफ टास्क दिए जा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जी एक जी प्रोजेक्ट शुरू किया गया, आपने आइसक्रीम इंडस्ट्री में हैसअप को इम्प्लीमेंट करना है या डेयरी जी इंडस्ट्री में सर हैसअप को इम्प्लीमेंट करना है, आपको एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट उस प्रोजेक्ट में हायर किया गया है। ठीक है, अब ठीक है आप उस टीम का मेंबर हैं, आपको आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन दे जाएगी, आपको आपकी अथॉरिटेटिव कमांड भी बाज का दी जाएगी, बाज का आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी कि आपने इन पैरामीटर्स में रहते हुए काम करना है। ठीक है, सो इस टीम जी की जी बात हो रही है जो कि टेक्निकल टीम होगी, टेक्निकल
टीम की फिर फर्दर एक्सपर्टीज, उसकी कंपिटेंसी लेवल को जज किया जाएगा कि उसकी कंपिटेंसी लेवल क्या है, आइदर उनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग करवाने की जरूरत है या नहीं, या उनकी बेसिक एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हैसअप की टीम फार्मुलेट की जाएगी। उसके अलावा जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो अलग है, ठीक है। मैनेजमेंट ने अपने मैनेजेरियल रिलेटेड जो टारगेट्स हैं, टास्क हैं, उन पे वर्क करना है, ठीक है। जो कंपनी का ओनर है या बॉस है, डायरेक्टर है या सीईओ है, उसने एक बेसिक रोड मैप देना है, उसने तमाम किस्म के रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किसने करना है, हैसअप टीम ने, जिसको उस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने का टास्क दिया गया है। जी जी तो दूसरा सर क्वेश्चन ये था कि जो हमारा हैसअप टीम होगी उसमें कंपलसरी है कि ओनर भी हो और टीम लीडर भी हो और प्रोडक्शन मैनेजर भी हो, टेक्निकल मैनेजर भी हो, कंपल्शन कोई नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्ट किस नेचर का है। अगर हैसअप को इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए फूड एनालिस्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर की बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसमें क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड जो स्टाफ होगा उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो इस तरीके से हैसअप की टीम को फार्मुलेट किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, किसी और का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को एंड करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर माय क्वेश्चन इज के आप जैसे अभी आपने बताया कि माय नेम इज मुर्तजा कमाल और माय क्वेश्चन इज के जैसे हैसअप की जो टीम है जो इंडस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइज होगी लाइक क्यूए से रिलेटेड होगी, प्रोडक्शन से होगी, तो व्हाट इज द रोल इज इन एडमिन सिक्योरिटी साइड से क्या इसमें रोल अदा किया जा सकता है? If my suppose my job is a admin is looking out the admin security of the facility, so admin security इसमें क्या role perform कर सकती? देखिए admin security का as such direct way में तो इस project में कोई role नहीं होगा, लेकिन indirect way में वो company की क्योंकि vicinity को मतलब वो उसकी protection की जिम्मेदारी है, तो indirect way में तो उनका role होगा, लेकिन direct way में क्योंकि ये technical सारी working है, technical expertise इसमें रिक्वायर्ड होगी, तो डेफिनेटली टेक्निकल एक्सपर्टीज की इसमें डायरेक्ट वे में रोल होगा। लेकिन जो अदर प्रोफेशनल्स हैं लाइक कोई सिक्योरिटी को मामला को देख रहा है, कोई जनरल मैनेजमेंट को देख रहा है, उनका इनडायरेक्ट वे में तो रोल हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट वे में क्योंकि ये टेक्निकल सारी चीजें हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड, तो उनको डायरेक्ट वे में कोई रोल नहीं इसमें है। राइट सर, राइट सर, थैंक यू जी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? जी जी सर, वो ठीक है, पूछे पूछे। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं लाइक एंग्रो, तो सर इनके ओवरऑल वर्ल्ड में डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, सर इनका जो हैसअप प्लान है वो जितने भी इनके प्लांट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज में उन सबके लिए सेम हैसअप प्लान होता है या कंट्री वाइज इनके कोई हैसअप प्लान चेंज होते हैं? देखें हैसअप एक यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टमैटिक एक प्रोसीजरल मेथड है, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल यूएई में भी जो हैसअप इंप्लीमेंट है वो भी सेम है एज कंपेयर टू हैसअप इंप्लीमेंटेड इन पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड रूल्स का सेट है, प्रिंसिपल्स हैं, तो इसमें कंट्री वाइज एरिया वाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सर लेकिन जैसे कब जो कि एंग्रो प्लांट साईवाल में है, यहाँ पे जो हैसअप प्लान प्रोटोकॉल्स हैं इनके जो बाकी डिफरेंट कंट्रीज में प्लांट्स हैं उनसे थोड़े डिफरेंट है? नहीं, वो डिफरेंट इन दैट सेंस हो सकते हैं कि हैसअप की जनरल इम्प्लीमेंटेशन के प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है, लेकिन वो डिपेंड करता है उनकी प्रोडक्ट क्या है, उनकी प्रोडक्शन पैरामीटर्स क्या है, उनकी रेसिपी क्या है, उस प्रोडक्ट का इंटेंडेड यूज क्या है, व्हाटसोएवर, वो उस बेस पे उनकी जो क्वालिटी पॉलिसी है, क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल हैं हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनमें डिफरेंस नहीं हो सकता। ओके सर।